आज मैं शेयर करूंगी ये हेल्दी और स्वादिष्ट लौकी के परांठे की रेसिपी। आइए स्टार्ट करें। वेलकम टू पूनम की रसोई। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक कर दें। ये मैंने एक लौकी ली है, 500 ग्राम के करीब है ये। इसे छिलके इस तरह काट लेंगे। देखिए इसमें एक भी बीज नहीं है। अगर आपके लौकी में बीज हो तो निकाल लें। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। सारा कर लिया है। इसमें अब 2 कप आटा डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ को दरदरा कूट लिया है डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन को हाथ से इस तरह क्रश करके डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच क्रश की हुई कसूरी मेथी, 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक और 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च डाल रही हूँ। सबको मिला के बिना पानी डाले डो लगा लेंगे, क्योंकि लौकी का अपना मॉइस्चर काफ़ी होता है। अगर आपका आटा गीला हो जाए तो थोड़ा सूखा आटा मिला लीजिए। डो तैयार है। थोड़ा सा ऑयल लेके इस तरह लगा के 10 मिनट ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सूखा आटा ले लिया है। इसकी लोई बना लेते हैं। इस तरह से बेल लेंगे। परांठा मैं ट्राइंगल शेप में बना रही हूँ। इसे इस तरह बेल के ऑयल लगा लेंगे और इसे कॉर्न शेप दे देंगे। आप इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में बना लें। इस तरह से बेल लेते हैं। अब इसे सेक लेते हैं। गैस पे तवा रखकर ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। हाई फ्लेम पे ही परांठा डालेंगे। कुछ सेकंड बाद पलट के ऑयल लगाकर सेक लेंगे। इसी तरह उलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। आप देख सकते हैं परांठे का कितना बढ़िया कलर आ गया है, सिक गया है। निकाल लेंगे। एक और बना लेते हैं। तैयार है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। देखिए मैं परांठे को तोड़ के दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। हेल्दी भी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।